खान सर की वीडियो है, देखते हैं अभी खान सर आप क्या वीडियो में क्या क्या बोलते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। जब आप अंधेरे को अपना जहाज का पायलट बना देंगे आनर को, तो जहाज तो कहीं उलटबे करेगा आपको। टीपीएससी टेररिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, पूरी आतंकवादियों को, चाहे वो अफगानिस्तान का आतंकवादी हो चाहे पाकिस्तान का आतंकवादी, उन्हें हथियार की सप्लाई पेशावर से होती है। पेशावर से ही सारे हथियार की सप्लाई होती है, पेशावर में हथियार बनते हैं। सब दुनिया का कोई भी हथियार चाहिए, पेशावर वाला आपको बना के दे देगा। AK-47 वहां टांग के बेचा जाता है, कैसे अपने रक्षाबंधन में राखी बेचा जाता है, जहां तहां टांग के। ऐसे कोई जो राखी पसंद है आप ले लीजिए, वही जो हथियार पसंद है ले लीजिए, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। 30,000 से 40,000 के रेंज में AK-47 ना बन। सरकारें आतंकवादी है तो क्या करिएगा, अजब हाल है। जो अब बताइए, खुदे आतंकवादी रहेगा, यूएनओ आपके आंतरिक मामले में क्या करेगा? वो कहेगा कि हमारे देश में यही फैशन है आतंकवाद, वहां एक सेक रहता है सब, मत पूछे। वहां लड़कियां AK-47 चलाती है सब। पता जिन्ना देख के ना बहुत रोता होगा, कहता होगा कि इतना तो कमीना हम भी नहीं थे। मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। इस तरह से किसी देश को बर्बाद किया जाता है, यहाँ यही होता है। आप जब कभी आप धार्मिक ज्यादा हो जाइएगा ना, तो यही आपका देश डूबेगा, क्योंकि धार्मिक चीजों में वही जाता है जो ना इंजीनियरिंग करना चाहता है, ना मेडिकल करना चाहता है, ना कंपटीशन देना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है। ज्यादातर वही लोग धार्मिक चीजों में जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, बट उनको ही अनपढ़वाद आप देता है सब, क्योंकि पढ़े लिखे लोग फालतू लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे, और कहीं बैठ के डिस्कस करने लगेगा, कोनो चौराहा पे, कहीं खाने पीने रहेगा इसे पढ़ा लिखा लोग। तो ये जब धीरे धीरे आप धार्मिक चीजों को आगे करने जाते हैं ना, तो 10 साल 20 साल बाद आपको अंदाजा नहीं लगेगा, आप एक ऐसे लोगों को आगे कर दिए जिन्होंने न स्कूल कॉलेज देखा, न अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन देखा, न यूएनओ क्या होता है, न संसद क्या होता है, न जुडिशरी क्या चीज होती है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या, कुछ नहीं पता है। 4-5 मोटका मोटका किताब बहुत पहले से आया के पढ़ते आ रहा है, जिसमें कोई ना संशोधन हुआ है ना कुछ। उसी को धीरे 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 20 साल 30 साल बाद वो लोग समाज को आगे हावी हो जाते हैं। अब उसके बाद यही हो जाएगा कि जब आप अंधेरे को अपना जहाज का पायलट बना देंगे आनर को, तो जहाज तो कहीं उलटबे करेगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस कहीं देख लीजिएगा, ये लोग कभी भी जितने क्रिश्चियन है अपने देश के फादर उधर को चर्चे भर वैल्यू देता है सब। ओ माय गॉड, चर्च में रहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं, ज्ञान मत दीजिए, उसके लिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, बाकी सबको देखिएगा ना आके ज्ञान देने लगता है। पूरा पता कौन चाहिए, यूएन के जनरल असेंबली में क्या है पता नहीं, आके कहता है यूएन मतलब क्या, यही हाल हो गया इन सब का। ये धार्मिक चीजों को आगे बढ़ाने लगा, तो धार्मिक चीज में क्या होता है, सेलेक्टेड लोग नहीं, रिजेक्टेड ज्यादातर चल जाता है। अब रिजेक्टेड आके आपको इन लीडर बनेगा तो भी रिजेक्ट करा देगा आपको, यही हाल हो गया इसके साथ। यहां पर यहां का एजुकेशन लेवल, इसको क्या पढ़ाइएगा, इसका इतिहास 1947 से चालू होता है, इसका इतिहास 1947 से चालू होता है। पढ़ाइएगा कौन सी बात, भगत सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक पढ़ाई में नहीं करता है, रामकूट जॉब बम बनाने में जॉब की क्या जॉब पढ़ता है सब। सब सब गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, सब गड़बड़ नहीं है, 2-4% यहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लोगों को अगर देखिएगा तो उनकी मेंटेलिटी है, भारत के लोगों को बहुत हीन नजर से देखते हैं, अजीब डिजाइन के देखेंगे, उनको लगेगा कि वो जब चाहे तो भारत को मार के खत्म कर देंगे। इनको ऐसा लगता है ना कि इनके रहमो करम पे भारत के लोग जिंदा है, इन चोटों को लगता है। आगे बढ़े बोले, ये यहां पे भी होता है यूपीएससी वगैरह, यहां पे भी होता है, यहां पर होता है टीपीएससी
टेररिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी नहीं टीपीएससी, टेररिस्ट पब्लिक सर्विस। आ इसमें टॉपर था अजमल का साहब, सबसे कम उम्र का टॉपर। चलिए ध्यान देते इधर, पेशावर समझ में आ गया? पेशावर में आतंकवादियों ने क्या किया था, स्कूल में घुस के 2014 में, स्कूल में घुस के, और वो प्राइमरी स्कूल था जिसमें क्लास 2, 3, 4 के लड़के पढ़ते थे, और वो प्राइमरी स्कूल में घुस के 8-10 आतंकवादी अब छोटे बच्चों को गोली मारे थे अपने देश के। अब आप बताइए, इसके बावजूद कोई हिंदुस्तान में खड़ा होके इन हरामियों से अगर आप इंसानियत की उम्मीद करते हैं तो आप आंख रहते हुए अंधे हैं। ये अपने घर में घुस के, अरे मारना है, देखिए एक होता है कि आप कोई बड़ा हत्या करना कहीं से भी जाय नहीं है, कहीं से भी सही नहीं, लेकिन जब एक किसी मासूम को गोली मारा जाता है तो कितना बुरा लगता होगा। लंच के टाइम पे कोई टिफिन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, छोटा छोटा बच्चा को गोली मारा गया था वहां पर, घुस के आतंकवादी मार दिया। उसमें एक टीचर बड़ा अच्छा काम किया था, सारे स्टूडेंट को बंद करके वो 47 रख लेता। टीचर वो 47 रख लेता, खैर अच्छा काम किया, आतंकवादियों को मारा अच्छा काम किया वो, उसने तो 47 सुरक्षा के लिए रखा था, ठीक था, नहीं तो वो मरा गया वो भी। लेकिन जो स्टूडेंट का कॉमन एरिया था जहां सारे स्टूडेंट खेल रहे थे उसको बंद किया, और उसके बाद मारना लगा गोली। जब दोनों ओर से गोली चलने लगती है तो आतंकवादियों को भी लगता है कि नहीं उधर से भी गोली चल रही है, छुपना चाहिए, तो थोड़ा सा डिले हुआ तो वो आर्मी पहुंच गई। और जानते हैं स्कूल किसका था? आर्मी के अफसरों के बच्चे पढ़ रहे थे उसमें, हाई सिक्योरिटी जोन में घुस के मारा था। आप लोग सुने होंगे सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल में घुस के मारा था वहां पर। और हमारे देश में अगर कोई सैनिक पैदल जाता है ना, अगर पैदल जाता है तो लोग उसके सामने सैल्यूट करने लगते हैं। एक सैनिक अगर हाथ दे दिया कि हमको छोड़ दी, एक बार हम ही गांव में थे, बाइक से जा रहे थे, तो हमको घर मेरा 2 किलोमीटर था, और एक रास्ते में एक सैनिक जो थे हाथ छोड़े, कहे कि हमको आगे तक जाना है, उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना था, हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, कहे कि हमको हमको थोड़ा छोड़ दीजिए आगे तक, तो हमें जाना 2 ही किलोमीटर तक था, लेकिन बैठे बैठे पूछते गए कि कहाँ चलना है, तो कहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना है, हमको रिपोर्ट करना है वहां पर। हम कहे हम भी वहीं जा रहे हैं, हमको नहीं जाना था, छोड़ दिए वहां तक। लौटने के टाइम, अब सुनिए फौजी का, लौटने के टाइम हम कहे कि सर हमको उधर ही जाना था, आप फौज में इसलिए हम आपको छोड़ दिए। तो क्या कह रहे हैं पता है? इतना जिम्मेदारी होता है उन लोग को कि आप अगर ऐसा काम कीजिएगा तो अगली बार हम लोगों को खुद नहीं बताएंगे हमें कहां जाना है, बल्कि उसी से पूछेंगे कि तुम कहां तक जा रहे हो भाई, छोड़ना है हमें। उन लोग के अंदर देखते कितना इंसानियत होता है। अब वही कोई दूसरा विभाग वाला रहता तो कहता कि ठीक हुआ, तनी और अगवा छोड़ दो। मतलब सोचिए, हम लोग क्या फौज के लिए कितनी इज्जत है, क्या हम लोग कभी हो सकता है किसी फौज के लड़कों को घुस के कोई मारे? यहां पर गांव आदमी दौड़ा दौड़ा मार देगा, वहां पर एक कोई शहीद होके आता है तो पूरा जिला दौड़ जाता है उसके लिए। ये चोटे अपने फौज के नहीं हुए, अपने बाल बच्चों के नहीं हुए, हम लोग के खाक होंगे ये लोग? कभी नहीं होंगे। यहां पर हमको कई लोग समझाते हैं कि सर पाकिस्तान में सब गलत नहीं है, हम कहे सब गलत नहीं है लेकिन मेजॉरिटी जो है वही फॉलो करती है। अगर हम आपको 2,000 रुपया देते हैं और कहते हैं कि इसमें अपने फैमिली को आप नाश्ता करा दीजिएगा तो खूब अच्छा से करा दीजिएगा, और कोई हमारा 2,000 रुपया दे कहे कि इन लोग को नाश्ता करे दे, चटनी ना मिलेगा 2,000 रुपये में, तो हमारा तो लिस्ट वैसे नीचे गिर जाएगा कि कोई सुविधा नहीं दे रहे। जरा ये भी देखिए कि कितने लोग हैं यहाँ पे, 2,000 में चटनी ना पिसाएगा धनिया पत्ती के, एक और चम्मच ले लो ले लो ले लो। अब वही आपके यहाँ 10 लोग हैं, आप 2,000 रुपये में बेहतरीन खाना खा सकते हैं 10 लोग बढ़िया से। आप तो इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, तो पूरे पॉपुलेशन उतना ज्यादा है यहाँ पर, ईच जो है कितना 24 करोड़ लोग रहते हैं, हम 23 करोड़ तो यूपी में रहते हैं। तो बाबा को छोड़ दिया जाएगा तो कचार देखो यूपी वाले। तो जी वीडियो खत्म, क्या बात है, हंस हंसते न खान, तो क्या बात है, उन्होंने वीडियो इस तरह की होती है हंस हंस की। सबसे पहले तुमने बात की AK-47 पाकिस्तान में इस तरह बिकती है, शरेआम जिस तरह उनके यहाँ बिकता, वो जो क्या बता, जो राखी है, राखी बिकती है हमारे यहाँ AK-47 इस तरह बिकती है। सारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं बिकती, सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान कुछ एरियाज हैं, बलोचिस्तान में नहीं भाई, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में भी, अब बलोचिस्तान में मैं कहता हूँ कम है,
और नहीं, क्वेटा और पेशावर दोनों में नहीं, ज्यादातर जो पेशावर में ही हमने मतलब लिखा हुआ है। मुंबई गए थे ये वीडियो के दौरान, वाकई में ये भी सेल होते हैं, इसमें कम झूठ नहीं बोले भाई। हमने नहीं देखी, यूट्यूब भाई ने बताया जगह जहाँ वो सेल हो रही थी। मैं इस बात से सुना करते हैं नहीं, उधर से पंजाब में, उधर से पंजाब में किस तरह ट्रांसफर होती है भाई? इस बात का आगे हमें नहीं पता है, ना हमने किसी से पूछा इस तरह का। जब इमरान खान का दौर आया ना, बहुत सख्ती हो गई है, सख्ती बहुत है। लाइसेंस के बगैर कोई भी हथियार नहीं रख सकता। अब तो लाइसेंस भी कैंसिल हो गए हैं, बिल्कुल जो लाइसेंस भी है वो भी कैंसिल कर दिया। गांव के अंदर भी भाई साहब तो बंदूक रखना बड़ा भाई। मैं ये कहता हूँ हुकूमत इस पर अमल कर जाए ना, कि किसी प्राइवेट बंदे के पास राइफल नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के इदारे के अलावा कोई भी कितनी भी बड़ी दुश्मनी है कि आधे जुर्म खत्म हो जाए। सही है। और दूसरी कितनी भी बड़ी दुश्मनी है वो सिक्योरिटी मांगे, किसको है वो सिक्योरिटी मांगे? मुतलका थाने से उसको आप नहीं है क्या है, राइफल रख लें और जाके किसी पे नाकेट पर किसी को रोक लें। जब ये बंदूकें बंद हो जाए, असला बंद हो जाएगा ना, मैं कहता हूँ ये सारी जो है एक किस्म की दहशत हो जाएगी। दूसरी बात खान साहब ने ये कि पाकिस्तान में सारे लोग भी गलत नहीं हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। हमारी जो आवाम है ना वो हकीकत बात है, अब थोड़ा सा ना कुछ चेंजिंग आ रही है, शोर आ रहा है, चेंजिंग आ गई, बहुत हद तक चेंजिंग आ काफी हद तक पहले की निस्बत कुछ फिफ्टी अभी नहीं हुई, 50-50 भी नहीं अभी हुई, ये कह सकते हैं 40-60 तक हमारे आवाम में शोर आ चुका है। तो कोशिश हम भी कर रहे हैं, और इसकी वजह यह सोशल मीडिया है, इसकी वजह थोड़ा सा ये है इमरान खान है, इसकी वजह थोड़ा सा यह है कि अब आवाम जितना शोर इमरान खान ने आवाम में पैदा किया है इतना किसी ने नहीं। इंडिया वाले तो कहते हैं इमरान खान तालिबान खान है, ये वो हमारे भी कहते हैं, वो अभी हमारे अपने भी कहते हैं, और इंडियन भी कहते हैं कि जो इमरान खान है वो तो बंदूक लेकर फिरता होता है पहाड़ों पर और तालिबान की सपोर्ट करता है। नहीं वो तो कह रहे तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे आवाम का किसी का भी किसी पर अगर हम बात करें, जगहों पर भी ब्लॉग बनाए 4-5 शहरों में, और यकीन कीजिएगा मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 90% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हमें पहले पता ही नहीं था, जब से इमरान खान ने कहा करप्शन भी कोई नाम है, करप्शन बेईमानी भी कोई चीज़ होती है, पता भी होता है कि हमारे इदारे करप्शन का। इतना हम इमरान खान साहब को जानते हैं ना, वो तो बहुत अमन पसंद और एक मुल्क को आगे लेकर जाने वाले आदमी के, ये नहीं कि इंतहा पसंद है वो। और खान साहब की बात इस्तेफाक में जरूर करूंगा, पाकिस्तान में अभी भी थोड़ा सा शो की कमी है, अगर शो की कमी ना होती तो ये मेंटालिटी जो है ना हम सब से बड़े हैं, हम सब को नीचा दिखा सकते हैं, तो अब तक पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच चुका होता, पाकिस्तान तरक्की कर चुका होता। नहीं रुखसार भाई, जो हमला हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पर, उससे हमें बहुत बड़ा सबक मिला था हमें, कि हमारे जो ये दहशत गर्द है ये पाकिस्तान के ये किसी के भी एक सक्के नहीं है, और इसको हमने मार मिटाना था। ये क्यों पाकिस्तान आर्मी पर हमला करते हैं, ये आम स्कूल पर भी कर सकते हैं, ये क्यों उन्होंने टारगेट ही आर्मी को बनाया हुआ है? यार आर्मी है ना, ये असल में ज़्यादातर हैं जो अफगानिस्तान के TTP के लोग हैं, तरीके तालिबान है, उसके बाद ALP है, अपना ये जो जिसके कहते हैं बलोचिस्तान BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये लोग सारे हैं, ये चाहते हैं कि हमें बलोचिस्तान अलग किया जाए, और ये अफगानिस्तान की भी कॉल है, ये जो एरिया अटक तक ये जो सारा हमारा है, ये KPK भी हमारा हिस्सा इसमें शामिल है, बलोचिस्तान में भी हमारा हिस्सा, हमें वापस दें, और उसके बारक्स ये उस नतीजे में ये फिर ये कार्रवाई करते हैं। और दूसरा वजह ये है, जब अमेरिका की हमने सपोर्ट की थी नाटो की, उनको ये भी दुख है कि पाकिस्तान ने क्यों नाटो को सप्लाई दी थी, अगर वो पाकिस्तान सप्लाई नहीं देता तो हो सकता था नताज कुछ इसके उलट होता। नहीं इंडिया वालों में थोड़ा सा हमला हो जाता जैसे ताज हमला हुआ है, पाकिस्तान पे इतने हमले हो गए, मैं तो इस कुर्बानी को मानते नहीं, इंडिया वाले ऐसे मजाक उड़ाते हैं भाई, हमने इतने हमले पाकिस्तान में हुए ना, इतना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, अगर जितने पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, जितने धमाके के गोलियां पाकिस्तान में चली है ना, अगर इंडिया में चलती ना तो यकीन माने आज बहुत ज्यादा नुकसान होना था उनका भाई। एक पाकिस्तानी आर्मी है जिसने कंट्रोल किया, लड़के उधर
बच्चे शहीद हुए थे, 250 बच्चा शहीद हुआ था, कुछ चंद बच्चे भी नहीं थे। पाकिस्तान कोई भी नहीं चाहता कि हमारे यहाँ हर रोज बम फूटे। जो दौर दौर और नवाज शरीफ का, हर रोज तीन चार बम धमाके आए दिन, धमाके होते थे और कोई पता नहीं चलता था। बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसी शहर में, किसी गांव में, कहां भी हो जाता बम धमाके होते थे, तो कभी ड्रोन होते थे, ऐसे होता है ड्रोन हमले होते थे। लेकिन ये अंदर की खराबी है ना, देखो मरने वाले कौन थे, वो आम इंसान बेगुनाह मरे जाते थे जिनको पता ही नहीं होता किसी बात। तो खान सर ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, हम इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी शौक की कमी है, और ये शौक कब होगा जब हमारे नस्लें आने वाले नस्लें एजुकेट करेंगी और ये मेंटालिटी ख़त्म होगी कि हम सबसे बड़े हैं। जब तक ये मेंटालिटी हम ग्रो नहीं कर सकते, ये नो डाउट ये फिक्र बात है, मैंने भी ये मेंटालिटी सुनी है, देखी है, जानी है, ये मेंटालिटी अभी भी बहुत ज़्यादा पक्ष है, वो यही हम इस वजह से पूछे। तो मैं कहते हैं आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगे मजा आए तो जरूर सब्सक्राइब कर, मिलता नए वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।